जी विशाल, यहाँ पे बहुत पहले नारायण यहाँ पे घूमने के लिए आए, ऐसे घूम क्षेत्र में घूम रहे थे तो उन्हें स्थान बहुत पसंद आया तो उसके बाद नारायण ने यहाँ पे भोलेनाथ जी रहते थे और भोलेनाथ जी से ये स्थान चाहिए था, तो उन्होंने यहाँ पे एक बाल लीला रची और एक छोटे से बालक का रूप लेके एक पत्थर में रोने बैठ गए। तो यहाँ पे भोलेनाथ जी और पार्वती माता जी रहते थे और भोलेनाथ जी के बहुत समझाने के बाद भी पार्वती मैया नहीं समझी, तो पार्वती मैया का बालक के प्रति प्रेम जागा तो वो बालक को उठा के अंदर ले आए। तो दूसरे दिन जब भगवान स्नान के लिए जा रहे थे तो अब मैं ही भूल गया इनके चक्कर में जब स्नान के लिए गए तो क्या हुआ कि जब नारायण आए तो नारायण ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब दोनों स्नान करके वापस आए तो तब तक नारायण ने अपना अवतार लेके भोलेनाथ जी बाबा को बताया कि ये स्थान मुझे जग कल्याण के लिए तपस्या करनी है यहाँ पे। तो भोलेनाथ जी यहाँ से फिर बहुत समझाने के बाद नारायण ने भोलेनाथ जी को समझाया, उसके बाद भोलेनाथ जी यहाँ से केदारनाथ के लिए चले गए, इसलिए यहाँ पे आदि केदारेश्वर भी आधा केदार माना जाता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि नारायण यहाँ पे जग कल्याण के लिए तपस्या में बैठ गए, तो तपस्या में बैठे उसके बाद उनको लक्ष्मी माता जी भी यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आई। तो जब भगवान देखा, लक्ष्मी माता ने देखा कि भगवान तपस्या कर रहे हैं, तो बगैर विघ्न डाले हुए लक्ष्मी माता ने उनके ऊपर बेर का पेड़ बन के छाव कर दिया। ठीक, भगवान तपस्या कर रहे थे और लक्ष्मी माता बेर का पेड़ बन के ऊपर छाव किया था। अब जैसे कामधेनु माता की बात है, तो जब भगवान तपस्या कर रहे थे और काम लक्ष्मी माता उनके ऊपर बेर का पेड़ बनी थी, तो उनके इर्द गिर्द बहुत सी घासें जम गई थी, ठीक है ना, और उस तपस्या में उनको दूध की आवश्यकता थी। तो लक्ष्मी माता के आह्वान करने पे गौ माता यहाँ पे आई थी, कामधेनु गौ माता, लक्ष्मी माता ने इनका आह्वान किया था और तब गौ माता यहाँ पे आई थी। तो जब भगवान हजारों साल तक तपस्या कर रहे थे तो लक्ष्मी माता बेर का पेड़ बनी थी और कामधेनु गौ माता घास चरते 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 उनकी परिक्रमा लगा रही थी। जब भगवान काफ़ी सालों बाद तपस्या से उठे तो उन्होंने देखा कि मेरे से ज़्यादा तपस्या तो लक्ष्मी माता ने कर रखी है। ठीक, तो उन्होंने क्या किया कि तपस्या के दौरान उसके बाद लक्ष्मी माता को अपने से बड़ा स्थान दिया, ठीक है ना, कहा गया कि हमेशा मेरे नाम से पहले आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है ना, तो इसलिए हमेशा हर जगह पे लक्ष्मी माता का नाम पहले लिया जाता है। जैसे लक्ष्मी नारायण है ना, सीताराम, जो भी अवतार हैं इनके, इनमें सब में लक्ष्मी माता का नाम पहले लिया जाता है। तो जो लक्ष्मी माता जो बेर का पेड़ बनी थी उसको संस्कृत में बद्री कहा जाता है, जो बेर का पेड़ बनी थी उसको संस्कृत में बद्री कहते हैं बेर को, ठीक है ना। और नाथ का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदू धर्म में आज से पहले जो लेडीज थी वो अपने पति को नाथ बोल के पुकारा करती थी, ठीक है ना, इसके लिए यहाँ का नाम बद्रीनाथ, जो बेर था वो लक्ष्मी जी को बद्री कहा जाता है और नाथ का मतलब हमारे हिंदू धर्म में नारायण को मतलब नाथ कहा जाता है, बद्रीनाथ मतलब लक्ष्मी नारायण, मतलब बद्री के नाथ, ठीक है ना, लक्ष्मी नारायण। और कामधेनु गौ माता को भी उन्होंने वरदान दिया कि इनसे जो भी कुछ मांगेंगे मैं उसको पूरा करूँगा। ठीक है, जय बद्री विशाल नारायण।